मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज संजना अगेन, योर साइंस टीचर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू एटमॉस्फियर एंड इट्स लेयर्स. एज यू नो, एयर फॉर्म्स अ थिक लेयर अराउंड द अर्थ. दिस लेयर इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फियर. एयर जो है वो अर्थ के चारों ओर एक मोटी सी लेयर बना देती है, जिसे अर्थ का एटमॉस्फियर कहा जाता है. अर्थ का एटमॉस्फियर जो है वो फाइव लेयर्स में डिवाइड होता है. इन फाइव लेयर्स को हम कंटिन्यूसली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के नाम से जानते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की. तो ट्रोपोस्फियर जो होती है वो सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है अर्थ की. मींस ये लेयर अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब प्रेजेंट होती है. ये लेयर अर्थ की सरफेस से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है. यही वह पोर्शन होता है जिसमें एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं. नेक्स्ट लेयर की बात करें तो आती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर. ये ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर प्रेजेंट होती है. मींस जैसे ट्रोपोस्फीयर 12 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है, तो 12 टू 50 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फीयर प्रेजेंट होती है. ये अर्थ की लेयर का वह पोर्शन होता है जहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर हमारी बॉडी की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देने का काम करती है. ये अल्ट्रावायलेट रेज इतनी हार्मफुल होती हैं कि बॉडी में स्किन कैंसर जैसी डिसीज़ को कॉज कर सकती हैं. इसके बाद बात करते हैं मीजोस्फीयर की, जो 50 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती हैं. मीजोस्फीयर जो है वो अर्थ की थर्ड लेयर होती है. देन थर्मोस्फीयर, ये 80 से 500 किलोमीटर की स्ट्रेंथ तक प्रेजेंट होती हैं और इनमें 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है राइज कर सकता है. आप सभी जानते हैं कि जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है. एक्सोस्फीयर 500 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती हैं और ये ऐसा एरिया होता है जहाँ